एक शादी का प्रोग्राम आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ तो दिखाऊंगा, पिक्सल गेट, साउंड वगैरह क्या कुछ है, ठीक है? तो बने रहिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर गेट से, जो कि यहाँ पर गेट देखिए पिक्सल का गेट है, और यहाँ पर गेट के साथ एक डिस्प्ले बोर्ड भी आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं स्लो मोशन कर दिया हूँ वीडियो को, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और लाइक हो सके तो कर देना। यहाँ पर RGB का माचा है, काफ़ी बड़ा साइज का माचा था, और यहाँ पर रास्ते में भी पिक्सल LED का ही था, और एक पावर लाइट हमने लगाया था क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा लाइट जो है कम लग रहा था, इसलिए पावर लाइट लगाया है। बिग डीपर का LP007H वाला पावर, काफ़ी ब्राइटनेस है इसके अंदर, इसलिए यही वाले पावर हम लोग यूज़ करते हैं। और चलिए दिखाता हूँ फटाफट से अंदर के साइड और क्या कुछ लगा हुआ है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर देखिए एक LED का पेड़, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि LED का पेड़ कहाँ मिलता है, तो आप हिजरा स्ट्रीट जा सकते हो, उधर से खरीद सकते हो, या फिर कोलकाता का जो चांदनी चौक है उधर भी जाकर आप थोड़ा बहुत ढूंढ कर खरीद लेना, ठीक है? मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। आप हिजरा स्ट्रीट जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, बाकी सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सुपर डी साउंड को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो में देखते हैं। और अंदर के साइड एक हमने यहाँ पर LED लैम्प के साथ 21 लैम्प वाला एक झाड़ लाइट लगाया है, जो कि एकदम मिडिल में है, और साइड में काफ़ी सारे 9 लैम्प का झाड़ भी लगाया है, आप लोग देख लीजिए। काफ़ी अच्छे से मैं दिखाने की, सारा कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। और ये हमारा जो काम था ये दौत्तपुकुर पर था। और चलिए आप लोगों को मैं और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिए एक DMX रखा हुआ है जो रात में पार लाइट चलाने के लिए काम में आएगा। और ये दौत्तपुकुर में हम लोगों का काम था, 3 दिन थे हम लोग वहाँ पर। और चलिए यहाँ पर और भी चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर 4 पार लाइट लगाया है ऊपर के साइड, और एक LED हैलोजिन लगाया है जो कि यहाँ पर बहु बैठेगा इधर लाइटिंग के लिए। नीचे की साइड बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर और भी 6 पार लाइट लगेंगे, जो कि यहाँ पर 4 रखा हुआ है एक साइड में है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और अभी बात करोगे साउंड सिस्टम की, तो यहाँ पर जस्ट 2 टॉप और 2 बेस ही था, ज़्यादा साउंड लगाया नहीं था। जो टॉप है, टॉप के अंदर 22-26 स्पीकर है, एक एक स्पीकर, साथ में HF डाला हुआ है। नीचे जो बेस है वो भी पी ऑडियो का ही है, लेकिन पी ऑडियो V2 स्पीकर के साथ बेस है। एम्पलीफायर तो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया है, स्टूडियो मास्टर का DPF 5000 एम्पलीफायर था, और मिक्सर भी दिखा दिया है, यामा का मिक्सर है, 16 चैनल का मिक्सर है। साउंड टेस्टिंग तो आगे आप लोगों को दिखाने वाला ही हूँ, आप लोग साउंड टेस्टिंग इन्जॉय कीजिएगा। ऊपर 4 पार लाइट है जो कि डांस वगैरह के लिए लगाया है, और DMX से ऑपरेट होगा ये 4 पार लाइट। और यहाँ पर 2 इंजन भी था, ठीक है, जो 5 KVA का था। रात का सीन चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर पिक्सल का डिज़ाइन, और आप लोग थोड़ा सा रात का सीन इन्जॉय कीजिए, और उसके बाद तो साउंड टेस्टिंग तो होने ही वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सुपर डी साउंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे ही साउंड से रिलेटेड और डी साउंड से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको लगातार मिलता है, तो सब्सक्राइब करके रखो।
था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और छोटा छोटा क्लिप करके मैं दिया हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके कट आउट करके दिया हूँ। साउंड टेस्टिंग भी मैंने वैसे ही दिखाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट आ जाता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी रेगुलर वीडियोज़ भी आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।